CGPSC 10 for ACF presented by Bright Ventures Academy. तो आज का ये हमारा केमिस्ट्री का जो लेक्चर है, आज हम बात करने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की. डियर व्यूअर्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड जो आपका बहुत ही बेसिक टॉपिक है, उसका वीडियो ऑलरेडी इस YouTube चैनल में अपलोडेड है जो कि क्लास 10th के लिए मैंने बनाया था. तो एक बार जाकर आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से जुड़ी बहुत ही बेसिक्स बातें देखने को मिलेंगी. इनफैक्ट उस वीडियो लेक्चर में मैंने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को, एसिड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. बेसिस से रिलेटेड और बेसिस की जो प्रॉपर्टीज है उनको भी मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है. एज वेल एज एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए जिन इंडिकेटर्स का काम किया जाता है, उन इंडिकेटर्स से रिलेटेड भी एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है हमारे चैनल पर. उन सभी वीडियोज की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ. ओके डियर व्यूअर्स, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अल्हीनियस एसिड एंड बेस कंसेप्ट की. यानी कि आज हम बात करने वाले हैं अल्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट की. डियर व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट को जो एसिड बेस के कंसेप्ट होते हैं, जैसे देखा जाए तो आपको तीन एसिड और बेस के कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलेंगे. और इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं. लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सारे कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को अंत तक, एंड तक जरूर देखें. तो चलिए हम बात करते हैं अर्हीनियस के एसिड बेस कंसेप्ट की. अर्हीनियस ने एसिड बेस इस कंसेप्ट को 1884 में इजाद किया. ठीक, उन्होंने किस बेसिस पे एसिड बेस को आइडेंटिफाई किया वो देखते हैं. उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड, उनके अकॉर्डिंग एसिड का उन्होंने डेफिनेशन किस तरीके से दिया कि वो सारे केमिकल कंपाउंड्स, वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि पानी में मिलाने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे. और इस तरीके से अर्हीनियस ने एसिड को डिफाइन किया. यानी कि उन्होंने क्या कहा कि वो सारे कंपाउंड्स जो कि पानी में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन से, H पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं. हम जब ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उसमें हम इस बात को देखेंगे. ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि वो सारे कंपाउंड, वो सारे सब्सटेंसेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स देते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल HCl, HCl को जब हम पानी में मिलाएंगे, यानी कि HCl का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या करेगा, पानी में H पॉजिटिव आयन देगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये कैसे हुआ, जैसे देखिए मैं इसको आपको बेसिक से समझाती हूँ. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि HCl जो है वो किसमें ब्रेक डाउन हुआ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. फिर ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव H2O के साथ बॉन्ड बनाया और फिर हाइड्रोनियम आयन का उसने क्या किया, फॉर्मेशन किया. इस तरीके से दो स्टेप में जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड कंसेप्ट उसने क्या कहा कि अगर कोई भी कंपाउंड पानी में H पॉजिटिव आयन दे रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड वो सब्सटेंसेस है जो कि पानी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन देंगे. किस तरीके का पॉजिटिव आयन, सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव के फॉर्म में. अगर H पॉजिटिव के अलावा कोई भी दूसरा टाइप का पॉजिटिव आयन मिला तो वो एसिड नहीं कहलाएगा, वो सॉल्ट कहलाएगा. ये कैसे पॉसिबल है, इसका भी हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे. पहले हम बात करते हैं अर्हीनियस बेस की. अब अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस उनके हिसाब से बेस कौन थे, बेस वो सब्सटेंसेस थे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे,
एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस थे और यही आयंस ओनली नेगेटिव आयंस जब पानी में प्रेजेंट होगा किस रूप में OH नेगेटिव के फॉर्म पे तो वो क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। ये किसका कहना था ये अर्गेनियस का कहना था। अगर एक से ज्यादा नेगेटिव आयन मिल रहे हैं rather than OH negative आपको कोई दूसरा negative आयन मिल रहा है तो वो बेस नहीं होगा वो सॉल्ट होगा। किस तरीके से चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे NaHCO3 ठीक। अब ये क्या है ये एक सॉल्ट है। ये हमें कैसे पता चला जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर यहाँ पर टोटल आपको कितने आयंस दिखाई देंगे देखिए एक तो आपको Na पॉजिटिव आयन दिखेगा दूसरा आपको H पॉजिटिव आयन दिखेगा और तीसरा आपको CO3 2 नेगेटिव आयन दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते थे जो कि ओनली पॉजिटिव आयन्स देते थे वो भी कौन से पॉजिटिव आयन्स H पॉजिटिव आयन्स। लेकिन चूंकि ये सॉल्ट है तो यहाँ पर आपको एक से ज्यादा पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं रादर देन एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव के साथ साथ एक दूसरा पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो कौन है Na पॉजिटिव। तो ये एसिड नहीं होगा ये क्या होगा सॉल्ट होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू बेस भी हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेटालिक सॉल्ट है हमारे पास CuOHCl ठीक। अब ये इस सॉल्ट को जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा इस कंपाउंड का तो इस कंपाउंड में आपको देखिए कौन कौन से आयन देखने को मिलेंगे। एक तो Cu2 पॉजिटिव कॉपर जो है वो इस फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा एक OH नेगेटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर देखिए अर्हीनियस बेस के अकॉर्डिंग अर्हीनियस बेस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था ये कहा गया था कि एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयंस के फॉर्म में कौन प्रेजेंट होना चाहिए OH नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो OH नेगेटिव के अलावा Cl नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है आयंस के रूप में जब हमने उसका क्या बनाया एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये भी बेस नहीं होगा ये क्या होगा सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से अर्हीनियस ने एसिड और बेस को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एच पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। तो अब बात आती है कि इनकी जो थ्योरी है एसिड और बेस केस को लेकर वो कहां पर फेल हुई यानी कि अब हम बात करने वाले हैं अर्हीनियस एसिड और बेस के लिमिटेशन की यानी कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इनका जो एसिड और बेस का थ्योरी था वो क्या हो गया फेल हो गया। तो चलिए अब हम इनकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एसिड को कैसे कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ एच पॉजिटिव तो उनके हिसाब से HCl H2SO4 CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड और भी HNO3 तो ये सारे के सारे जो है एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दे रहे थे तो वो क्या हुए वो डेफिनेटली एसिड्स हुए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई प्रॉब्लम आई बेसिस की क्लासिफिकेशन में। उन्होंने क्या कहा सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव की कारण उन्होंने बेसिस को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन जैसे NaOH है तो डेफिनेटली ये बेस है ठीक MgOH होल ट्वाइस ये भी बेस है। लेकिन मेटल ऑक्साइड्स भी क्या थे बेसिस थे मेटल के ऑक्साइड्स भी किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी बेस की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन उनके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस को क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो पानी में OH नेगेटिव आयंस नहीं दे पाते तो इस वजह से उनकी जो ये एसिड बेस थ्योरी थी अर्हीनियस की वो फेल हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया तो ये सारे के सारे क्या है मेटल ऑक्साइड्स हैं और ये भी कैसे होते हैं ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं
बट एक्वस सॉल्यूशन में ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करते, तो इस वजह से अर्हेनियस का जो एसिड बेस कंसेप्ट था वो फेल हो गया। तो इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए ब्रोंस्टेड लॉरी। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनके इस कंसेप्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।